हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। आज हमारे साथ हैं हिमांशु सर, जिनका अभी अभी DSSB PRT MCD में NDMC जिसकी जनरल में 45 वैकेंसीज थी उनमें इनका स्कोर मैं तो कहूँगा लकीली और बहुत इन्होंने मेहनत करी 156 रहा है। 155.75। हाँ, वैकेंसीज इतनी थोड़ी थी लेकिन ये स्कोर अगर आप कुछ टाइम पहले तक सोचते ना, ये इतना अच्छा स्कोर है कि अगर प्लस नेगेटिव मार्किंग थी, और ये तब का है जब आपको एक महीने पहले ही, डेढ़ महीने पहले ही ये पता चला है कि आपका एग्जाम होने वाला नहीं। दोस्तों ये मान के चले थे कि अक्टूबर सितंबर में, हाँ सितंबर अक्टूबर तब इसका नंबर आएगा। मैं तो ये कहूँगा कि भाई बहुत बढ़िया नंबर आया आपके, बहुत मेहनत करी आपने और कॉन्ग्रेचुलेशन, और आपको बहुत प्राउड, अच्छा फील होना चाहिए, कॉन्फिडेंट फील होना चाहिए। और भविष्य का ये है कि भाई इनका होपफुली, क्योंकि देखो 125 130 140 मेरे जैसे ये नंबर तो वो हो सकते हैं जो मेहनत करी दो नंबर आ गए इतने, या थोड़ा बहुत लक काम कर गया कुछ हद तक। लेकिन जब आप 150 या आप में से जिनके 150 155 आए हैं 160 आए हैं, वहाँ लक नहीं काम आता, वहाँ तो भाई प्योरली बिल्कुल ठोक बजा के नंबर लिए गए हैं ये। तो एक बार सर से बात करेंगे भाई, आज इन्होंने ये इतिहास कैसे रचा रहे मेरी तरफ देख लो भाई। तो राम राम जी सबको। हाँ तो सर एक बार प्लीज़ बता दीजिए, थोड़ा सा तो बुरा फील हो रहा होगा, और फीलिंग कैसी वो बता दो बस। फीलिंग वही है, मिक्स है कि हाँ 155 आ भी गए और हुआ भी नहीं, और पाँच नंबर से वही है 161 पे फाइनल गई है। हाँ। है ना, तो फीलिंग मिक्स ही है। पहले जब स्टार्टिंग तैयारी स्टार्ट करी थी तो टारगेट तो ये था 140 आ लें बहुत है, अब 155 आके भी कुछ नहीं हुआ। हाँ। तो वही मिक्स फीलिंग है कि नहीं हुआ चल। हाँ, क्योंकि देखो जो मेरे मार्क्स थे ना, मुझे ये तो पता लगी MCD में यार इतनी कम वैकेंसी कम थी तो कहाँ होगा, मैं अटेम्प्ट 154 करके आया था। लेकिन मुझे ये जरूर था कि भी जितने अटेम्प्ट करके आया ना बढ़िया करके आया हूँ, मैं तुक्का नहीं मारा था, एक दो मुश्किल से ऐसे होंगे जो डाउटफुल दे, और फिर उतने ही मेरे नंबर आए 140। मुझे इतना खुश हुआ था, मतलब मेरे नंबर देख रहे 140, मतलब ऐसे कूद रहा था घर पे बिल्कुल खुश। तो मेरी मम्मी को मैंने नंबर बताया, बोले हो पास होना ना होना अपनी जगह, मेहनत करी बढ़िया नंबर आया। मेरी मम्मी भी नहीं कहा था कि पोस्ट कम थी वो उस पे डिपेंड करता है, वरना तेरा नंबर तो सही है। और क्या, इससे ज़्यादा दूर क्या ही होगा यार। तो अब सर से बात करेंगे, इन्होंने जो ये 155 का स्कोर टच किया है ये कैसे हुआ, क्या इसका प्रोसीजर रहा, सर ने प्रिपरेशन स्टार्ट कब की थी, कितने लंबे समय से प्रिपरेशन करते आ रहे हैं, और कहाँ से इन्होंने मॉक टेस्ट लिया, मॉक टेस्ट लगाने की स्टेज पे स्टार्ट किया, स्टार्टिंग से ही मॉक टेस्ट लगाते आ रहे हैं, या एक परसेंटेज ऑफ सिलेबस कंप्लीट होने के बाद ही इन्होंने मॉक टेस्ट लगाए, कोचिंग ली या नहीं ली, ली तो कहाँ से ली, कौन से इनके सोर्सेज रहे हैं, तो सब कुछ सारी बातें करेंगे। और भविष्य थोड़ा सा मैं इतना बता सकता हूँ, वही जो DOE का रिजल्ट आने वाला है होपफुली उसमें इनका पक्का, ठीक है ना, अपने लड्डू यही अग्रवाल स्वीट से ही खरीद लो तुम लोग। तो जिनके 150 से ऊपर बन रहे ना होपफुली भाई, क्योंकि देखो इतने मार्क्स आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी मेहनत से ही आए हैं और वो घटने नहीं वाले, अब कितना ही मुश्किल में पर आ जाओ चाहे। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू, होप फॉर द बेस्ट। पहले तो आपसे गुजारिश करूँगा कृपया करके सर ना बोले। अरे भाई यार। हाँ भाई, तो ये बताओ कि आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे करी। प्रिपरेशन स्टार्टिंग तो वही 11 12 10th हो गई थी 2016 में। हाँ जी। और 12th हुई 2018 में। हाँ। उसके बाद घर वालों ने वही करवाया कि भाई JBT कर ले, JBT कर ले। हाँ। मेरा मन नहीं था, नहीं क्योंकि उस टाइम था कि कुछ भाई अलग करना है, बिजनेस चालू करना है। तो वही घर वालों ने चालू करवा दिया 2018 में एडमिशन करवा दिया, CTET दिया 2019 में ही, 2019 के दिसंबर में जो CTET हुआ था वही दिया। क्या हुआ, तैयारी करी थी मम्मी ने, मतलब घर वालों का था कि ज़बरदस्ती था कि हाँ भाई चल दे 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 भर दे भर दे। मैं कह रहा अभी तैयारी तो है नहीं, कैसे करूँगा, फिर कह रहे कर दे हो जाएगा तो पास देखी जाएगी 90 चलाने, वो भर दिया और वो हो भी गया और मार्क्स आए 91 ठीक है, 90 पासिंग में 91 हो गया, और वो पूरे के पूरे मार्क्स जो बेस था वो था मैथ्स के लिए, मेरे पास मैथ्स थोड़ा स्ट्रांग है मेरा, बाकी सारे मैं कह सकता हूँ बाकी सारे मेरे तुक्के थे प्योर तुक्के। पैडागोजी नहीं आती थी, हिंदी नहीं आती थी, इंग्लिश और बचा के EVS, उनके प्योर तुक्के थे, मैथ का ये था कि बस हाँ मैथ आती है। लेकिन एक मेरे मन में ना ये क्वेश्चन आ रहा है आपके लिए, देखो आपके मार्क्स भी ठीक है लकीली स्टार्टिंग से,
और ये मार्क्स ना ऐसे ही नहीं आते कि सीटेट में बस ऐसे ही पेपर दे दे और मार्क्स आ गए। हाँ, ये कुछ सही तो होगा इसके पीछे जिसकी वजह से आपका सीटेट क्लियर हुआ है। तो उसके पीछे आपके पास 12th में क्या थी ये बताओ? 12th में साइंस, साइंस थी ना, तो वो आपकी प्रिपरेशन यहाँ पर काम आई है। हाँ हाँ, ये सीटेट है, पर मेरे हिसाब से मेरे पास बस मैथ थी कि जो मैं मैथ में कर सकता था, प्लस पॉइंट वो रहा जिसकी वजह से आप कि 90 बना गए। ठीक है, वैसे पास ही बॉर्डर पे पास था। हाँ, बॉर्डर पे पास था लेकिन हो गया, लेकिन ठीक है ठीक है। वही उस टाइम पे निकले थे, रेट के निकले थे सर, रेट की तैयारी स्टार्ट कर दी उस टाइम। आपका ये हुआ कि अब तैयारी करनी है। हां, जनवरी 2021 में, तो रीट के पेपर होने से पहले एक महीना बचा ही था कि डीएसएसबी की पोस्ट आ चुकी थी। ठीक है, तो मेन तो यही था कि भाई दिल्ली में ही सही रहेगी, दिल्ली की अच्छी रहती है, दिल्ली में सैलरी वगैरह भी अच्छी, तो वहाँ से मैंने स्टार्ट करी उसकी डीएसएसबी की। और जो मेरी स्ट्रेटजी है मतलब एग्ज़ाम को देखने की और करने की, वो अलग हो सकती है और थोड़ी अलग भी लग सकती है और उसे, क्योंकि बहुत ही अलग है, बोहेमियन जिसे कहते हैं, हट के बाकी उसे। मैं क्या करता हूँ, जिस दिन फॉर्म भरता हूँ उसी दिन उसका मॉक टेस्ट दे देता हूँ। ठीक है, जिस दिन फॉर्म भरा उसी दिन उसका प्रीवियसर दे दिया, जिससे एक आइडिया हो जाएगी किस टाइप का पैटर्न। हाँ, क्या सिर्फ कुछ रहता है, बच्चे क्या करते हैं सिलेबस देखते हैं, सिलेबस तो देखना ही है, पर उसके साथ ना अगर आपको पता लगा ही नहीं कि क्या क्या पेपर में आ रहा है और क्या क्या आएगा, क्योंकि बच्चे करते हैं पहले तैयारी कर लेंगे, 6 महीने बाद तैयारी करते रहेंगे, फिर 6 महीने बाद टेस्ट देंगे, कह रहा यार नंबर तो 110 ही आ रहे हैं और चाहिए 120-135 के। तो ये पॉइंट आता है मेन, तो स्टार्टिंग में स्ट्रेटेजी रहती है जिस दिन फॉर्म भरा उसी दिन उसका प्रीवियस ईयर दे दिया। क्योंकि अगर देखो ये चीज़ आपने बहुत सही कही है कि जिस दिन फॉर्म फिल किया, जिस दिन से प्रिपरेशन एक तरह से स्टार्ट करी, सबसे पहले मॉक टेस्ट, क्यों? इससे एक ना, क्योंकि सिलेबस उठा के देखो आप, केवीएस का उठा लो और डीएसएसबी का उठा लो, ऑलमोस्ट थोड़ा सा पैटर्न की वजह से, सब्जेक्ट्स की वजह से, क्योंकि एक में 100 नंबर की आती है, एक में बेचारी 20 नंबर की आती है, इस वजह से थोड़ा फर्क हो जाता है। नहीं तो अगर देखा जाए तो पेडागोजी दोनों जगह आती है, मैथ्स दोनों जगह आता है, पैटर्न की वजह से थोड़ा सा ऊपर नीचे है, अदरवाइज सिलेबस तो दोनों का ही सेम है। हाँ, सिलेबस दोनों का सेम है, और थोड़ा लेवल का, हाँ लेवल का थोड़ा सा ऊपर नीचे, और ये लेवल का प्लस कि कौन से क्वेश्चंस, कौन से टॉपिक्स कि... आप ना ये नर्वस हो रहे हो क्या? अरे ठंड लग रही है। डिफरेंस कैसे पता चलेगा कि किस में क्या चीजें पूछी जाती है, क्या नहीं पूछी जाती, कौन से टॉपिक केवी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लेकिन डीएसएस में उतने इंपॉर्टेंट नहीं है वो, और कौन से टॉपिक है तो डीएसएस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, केवी में आप थोड़ा सा उनको हल्का फुल्का व्यवहार रख सकते हो उनकी तरफ, ये पता चलेगा मॉक टेस्ट से। नहीं तो आप पूरी उम्र पियाजे और इतनी मोटी मोटी किताबें करते रहना और पता चले केवी में आती 20 नंबर की 30 नंबर की, वो फिर फायदा क्या उसका। तो ये सब चीजें मॉक टेस्ट, ये बहुत बढ़िया बात बताई आपने। फर्स्ट पॉइंट यही है कि जिस दिन फॉर्म भरा उस दिन मॉक टेस्ट दो, मॉक टेस्ट मतलब प्रीवियस ईयर दो, जिससे कि आपको पता लग जाएगी बेसिक पैटर्न क्या है, फिलहाल आपका स्कोर क्या है, इम्प्रूवमेंट की कितनी जरूरत है और टाइम कितना चल रहा है। तो फर्स्ट दिन आपको आपके पास क्या होगा, आपका बेस स्कोर हो जाएगा कि बेस स्कोर कितना आपका, उसके बाद आपके पास रहेगा टाइम, आपको एक्स्ट्रा टाइम कितना लग रहा है। ठीक है, और तीसरा पॉइंट ये है कि तैयारी कितनी करनी है, कौन कौन से टॉपिक्स की तैयारी करनी है। जब मैंने स्टार्टिंग के दिन मॉक टेस्ट दिया डीएसएसबी का, तो मैंने वैसे ही दिया जैसे टेस्ट बुक में होता है ना, टाइम चल रहा होता है, तो मैंने डाउनलोड किया पेपर और फिर दिया था अलग से। अच्छा, तो उसमें मेरे अप्रॉक्स 120 बैठे थे और टाइम लगा था 2.5 घंटे का। अब मेरे पास क्या था, 120 स्कोर था और 2.5 घंटे का टाइम था, अब मुझे 2.5 घंटे को कम करके लाना था 2 घंटे में और 120 को खींच के लाना था 130-140, क्योंकि पिछली कट ऑफ 121-122 पे थी। उसके बाद पॉइंट्स क्या कहते हैं मेरे पे, उसके बाद मुझे पता लगा मॉक टेस्ट देने पे मेरे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, वीक कौन से हैं, और क्योंकि अभी तक कोई तैयारी थी नहीं तो स्ट्रॉन्ग बस मैथ्स था और रीजनिंग था। वो बेसिक की बात है कि जिसकी मैथ्स स्ट्रॉन्ग होती है वो रीजनिंग तो आई जाती है अपना। ठीक है, उसके बाद जो स्ट्रॉन्ग नहीं था, तो फर्स्ट पॉइंट यही है कि अपने वीक और जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं उनको एनालाइज कर लो। हाँ, उनको पहले पता कर लो कौन कौन से हैं ताकि काम किस पे करना पता लग जाए। तो काम मुझे करना था, पता लग गया हिंदी पे, हिंदी नहीं आती थी, इंग्लिश पे, जीके और पेडागोजी मेन सब्जेक्ट्स ये थे, और स्कोर खींचना था 135-140। तो उसके बाद काम चालू किया, हिंदी में वही कोर्स था मेरे पास जो रीट का लिया था उसी का काम आ गया, रीट का, क्योंकि हिंदी सेम ही होती है हर, और होती भी आसान है हिंदी। तो हिंदी में ये है कि अगर आपने कर ली 1 महीना या 1.5 महीना लगा के भी कर ली तो आपकी हिंदी पक्की हो जाएगी,
क्योंकि वही गिने चुने क्वेश्चन है, संज्ञा सर्वनाम है ना, और कहीं ना कहीं हम वो चीजें रेगुलर लाइफ में हिंदी बोलते हैं तो वो संज्ञा सर्वनाम ये सारी चीजें एक बार पढ़ते ही याद हो जाते हैं। और वो थोड़ा आप जैसे अपने 9th-10th में पढ़ी 9th-10th पढ़ी है तो थोड़ा रिकॉल आ जाता है और वो आसान हो जाती है। और क्योंकि इसमें तो आपके 4 ऑप्शन भी होते हैं तो वो एलिमिनेट करना तो आसान हो जाता है। उसके बाद इंग्लिश, इंग्लिश आती नहीं थी बिल्कुल, इंग्लिश जीरो ही थी। ठीक है, ठीक है, इंग्लिश में मतलब ये था कि हाँ भाई जैसे ऑप्शन 4 दे दिए तो वॉज का बताना कि सेंटेंस इंप्रूवमेंट करके बताओ, तो ऑप्शन दे दिए वर हैज हैव, वर लगा के देखा हाँ सही लग रहा है, हैज लगा के देखा सही लग रहा है, तो जो मन में बैठा कि हाँ, में जो बनता था हाँ, जो मन में बैठा कि हाँ ये सही लग गया तो वो टिक, मतलब वही तुक्के वाला काम था। और सिनोनिम एंटोनिम का ये था कि वही बेसिक से आते थे, बेसिक मतलब वही सिंपल सिंपल जो होते हैं जो सबको आते होंगे वो आते थे। इंग्लिश होगी, उसके बाद जीके, जीके तो मेरा ये प्लान था कि जीके करनी नहीं है क्योंकि जीके कितनी भी कर लूँगा ना मैं वो मेरे 15 नंबर थे खींचने बहुत मुश्किल हो जाएंगे, है ना। तो जीके मैं सोच रहा था कि मेरे बस 5 से 10 नंबर के बीच में आने बहुत है क्योंकि 15 खींचूंगा जितना टाइम है 15 खींचने में लगाऊंगा उसको, तो मैं और किसी सब्जेक्ट में जो कि पैडागोजी है उसमें अच्छे चल जाएंगे मेरे में, ठीक है। तो ये मेरा मेन पॉइंट था, तो जीके मेरा कम ध्यान था, उसकी वजह से पैडागोजी, पैडागोजी में एक धोखा लगा। धोखा क्या लगा, रीट का पूरा सिलेबस कर लिया था, मतलब सीटेट का सिलेबस कर लिया था, वही फेमस ऐप जो है जो सारे करते हैं जिससे कैरियरविल से, हाँ बता दो कोई दिक्कत नहीं है, कैरियरविल खुल के बताओ, हाँ तो कैरियरविल से कर लिया था। मुझे लगा कि ले भाई पैडागोजी कर ली है और 100 नंबर की है, इधर 30 की थी और वहाँ 100 की है तो कराऊंगा, करके देखता हूँ। जिस दिन मैंने पेपर दिया उस दिन सारा जो भी मेरा पढ़ा लिखा था वो सामने था, कच्चा चड्डा सामने था, पहले दिन जो मॉक टेस्ट, हाँ मॉक टेस्ट उसी में पता लग गया यार, ये तो कुछ कर ही नहीं रखी। नंबर आए पैडागोजी में 45-50 के आसपास, सारे तुक्के थे। मैंने देखा यार जो नोट्स बना रखे हैं इसमें से तो एक भी क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन है प्याजे का है तो वो एक क्वेश्चन आ रखा है प्याजे का, वो भी अंदर से घुसा के आ रखा है। तो वहाँ पे पता लगा कि हाँ भाई पैडागोजी में बहुत काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि पैडागोजी में मुझे 40 से लेकर 80 तक जाना था कम से कम, 80 नहीं तो 70 तक कम से कम जाना था। उसके बाद चेक किया कि जो क्वेश्चन है वो आ कहाँ से रही है, क्वेश्चन का फिर पता लगा NIOS से, आपकी वीडियो देखी थी मेंटा 36 अभिषेक पोर्टर सर उनकी देखी थी, फिर पता लगा कि NIOS से क्वेश्चन आ रहे हैं। NIOS स्टार्ट कैसे करी, किताब नहीं लेके आया, NIOS की वेबसाइट है ऑनलाइन उसके ऊपर भी वीडियो बनाई है हमने, आप डायरेक्ट वेबसाइट से जाके PDF डाउनलोड कर लीजिए, PDF डाउनलोड कर लो, और ऐसा नहीं कि सारे एक बार में डाउनलोड कर लिए, आप एक डाउनलोड कर लो उसको, अगर आपने प्रिंट निकलवाने प्रिंट निकलवा लो उसको पूरा कंप्लीट करके और फिर उसके बाद आगे स्टार्ट कर सकते हो। NIOS फिर डाउनलोड कर लिए मैंने, मैं पहला वही ब्लॉक 501 पढ़ा, 501 502 503 जितने भी 10 ब्लॉक हैं स्टार्ट किए, 501 मैंने इग्नोर किया। अगर कोई भी स्टार्ट कर रहा है फिर से डिसिप्लिन तैयारी तो 501 पहले ना पढ़े, पहले पढ़े 502 जो कि मेन है 502। जो मैंने मॉक टेस्ट दिया वहाँ से पता लगा मैंने, मैंने देखा कौन कौन से टॉपिक जो पेपर में आ रखे हैं और कौन कौन से इनमें है, तो पता लगा सबसे मेन है 502। ठीक है, मेन तो आगे वाले ब्लॉक भी हैं पर स्टार्टिंग जिसको करनी है 502 से करनी है, 502 से स्टार्ट किया। उसके बाद एक महीने तक पढ़ी लगातार, एक महीने मैंने बस पैडागोजी ही पढ़ी, हिंदी इंग्लिश वगैरह कुछ नहीं, वो चल रही धीरे धीरे, मतलब 10 मिनट पढ़ ली 20 मिनट देख ली वो सब चल रही, मतलब टच में रहे, हाँ टच में चल, टच में रहे, हाँ। तो वो एक महीने तक करी, उसके बाद मैंने एक महीने बाद ही अगला मॉक टेस्ट, अगला मॉक टेस्ट मीन्स प्रीवियस ईयर ही दिया, नेक्स्ट प्रीवियस ईयर, उसमें स्कोर गया 120 से 130 गया। ठीक है ना, वो मेरे को पता लग गया हाँ, क्योंकि मुझे एनालाइज कर लिया था मैंने कि मेरे मार्क्स इसमें कम है पैडागोजी में, तो इस 40 को मुझे 50-60 लेके जाना, 40 से वही है ना, 40 से 60-70 लेके जाना इजी है कंपैरेटिवली किसी 15 नंबर को 17 पे लेके जाना। उसके बाद एक पॉइंट आएगा जब आपकी जर्नी में जब तैयारी कर रहे होगे जब आपका स्कोर बिल्कुल नहीं बढ़ेगा, हाँ थ्रेशोल्ड जैसे पॉइंट कहेंगे कि रुक जाएगा वहाँ, तो मेरा स्कोर रुका ऑलमोस्ट 135 पे आगे। ठीक है, 135 पेपर दिया तैयारी करी, 135 पेपर दिया तैयारी करी, 135 तो 135 ही आते रहे, 135 वाला जब पॉइंट ब्रेक होगा तब आपका स्कोर थोड़ा नहीं बढ़ेगा, जब आपका स्कोर सीधा 140-150 जाएगा, हाँ क्योंकि वो थ्रेशोल्ड था, वो जब आप उसमें जिसने आपने जो पढ़ाई करी है वो आगे जाके आपके काम आएगी, तो वो कर्व ऐसे बनेगा आखिरी में जाके, है ना। तो ये चीज़ हुई, तो अब ये एक महीने का हो गया, ये एक महीने का हुआ 120 से 130। अब आपको मतलब इस चीज़ से एक मोटिवेशन तो नेक्स्ट लेवल की मिलती है। देखो मैंने जब दिया था ना, मेरे पहले मॉक टेस्ट में 2018 में जब दिया था तो मेरे आए थे 72 मार्क्स। हाँ चलिए फिर आगे बताइए, एक महीने बाद ये 2021 में कब की बात है, ये फॉर्म भरने से एक महीने बाद की होगी, मतलब आज जुलाई आ चुका होगा, जुलाई 2021 के आसपास आ गया चुका होगा। थोड़ा इससे पहले ही बता देता हूँ कि थोड़ा स्कोर इंग्लिश हिंदी में कैसे बढ़ा। इंग्लिश हिंदी में फिलहाल तो एक महीना हो गया था, कुछ बढ़ाया था नहीं, वही सेम चल रहा था जितना भी
जितना मेरे पास था, जितना तुक्के के साथ था, फिर जो बढ़ाया इसके लिए ये बताओ किया क्या आपने? हाँ देखो, पेडागोजी का तो मैंने बता दिया, एनालाइज किया, एक महीने जो मॉक टेस्ट दिया उसमें देखा कौन कौन से ब्लॉक इम्पोर्टेंट है, ठीक है, 10 में से कम 6 ब्लॉक इम्पोर्टेंट है, बाकी 4 आते हैं पर कम क्वेश्चन आते हैं, छोटे मोटे आते हैं, वो हम इधर उधर से भी कवर कर लेते हैं, कोई यूट्यूब से वीडियो देख ली, प्लस हमने अगर किसी ने कोचिंग लेनी है तो वहां से भी कवर हो जाएगा, या कोई कहीं से और क्वेश्चन प्रैक्टिस किया ना, मॉक टेस्ट से भी वो क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। उसके बाद थोड़ी अवेयरनेस पड़ी और एक्सप्लोर किया, 502 कंप्लीट हो गई थी, अगली मैंने 503 या 504 करी, उसमें देखा फिर थोड़ा स्कोर 130, 134, 135 तक गया, 135 भी आगे अटक गया स्कोर, क्योंकि इसमें मैंने NIS में तो मेहनत कर ली थी, मेरे सब्जेक्ट बच गए थे हिंदी, क्योंकि मैंने उसमें कोई काम नहीं किया था, हिंदी इंग्लिश बच गया था, और रीजनिंग और मैथ मेरे पास थी, दोनों सब्जेक्ट मेरे पे थे। सब्जेक्ट मेरे पास होने का मतलब ये है कि मैं दोनों में जो 20-20 नंबर के हैं, मतलब मैं उन 40 में से 34 नंबर तो ला ही रहा था। तो आपको वो एनालाइज खुद करके देखना है आपका कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है। Exactly. और स्ट्रॉन्ग जब होगा जब आपके 17 से ऊपर आएंगे, 20 आने चाहिए वैसे तो, क्योंकि हमें तो मैक्स ही लेके चलना है। Exactly. है ना, तो 17 से ऊपर आ रहे हैं, कंफर्टेबल स्टेज है फिर। हाँ, कंफर्टेबल स्टेज है कि अगर 17 से ऊपर आ रहे हैं तो आप उसको स्ट्रॉन्ग में मान सकते हो, काफी बड़े बल्क ऑफ क्राउड से आप आगे निकल चुके, अलग आगे निकल चुके। और उसमें क्या हो जाता है कि आप लोग एटलीस्ट इन सब्जेक्ट्स में तो मेहनत कम करनी है बाकी का। मैथ में जब लॉकडाउन लगा था 2020 में, तब मैंने एक मैथ्स का अलग से कोर्स ले लिया था कि हाँ भाई खाली है 7-8 महीने, कोर्स ले लेते हैं, कुछ तो आ जाएगा। और वो कोर्स लिया था मैंने SSC का, ठीक है, SSC का गगन प्रताप सर का, कैरियरविल पे। अब मुझे काम करना था हिंदी पे, इंग्लिश पे, GK पे, और पेडागोजी पे तो करना ही था, क्योंकि पेडागोजी पे स्कोर मेरा, पेडागोजी तो कंटिन्यू रखनी ही है, उसको तो काम चलता ही रहेगा जब तक 200 क्योंकि पेडागोजी का 50% हिस्सा है पेपर का। हाँ, है ना, 2 महीने चले गए, उसके बाद इंग्लिश पे काम चालू किया। इंग्लिश ये थी होती नहीं थी, तो इंग्लिश के मैंने वही पेपर देता रहा, जो जो रूल आए सामने वो लिख दिए, वो लिख लिए, क्योंकि वही था कि थोड़ा रिसेंट जो आए होंगे तो वही आगे पूछ लेंगे, ठीक है। फिर आखिरी में मैंने क्या किया, टॉप 100 रूल्स जो इंग्लिश के हैं वो लिख लिए, स्पेशली इंग्लिश पे काम करना स्टार्ट किया। हाँ, उसमें क्या किया मैंने, लिख गूगल पे लिख दिया, गूगल पे जो भी आपको सर्च करना है वो लिख दो, टॉप 100 इंग्लिश रूल्स वो लिख दिया, टॉप वेबसाइट आई, 2-3 खोल ली उनमें से और उनके मिला लिए जहाँ से ठीक लगा वो। हाँ, उनके 2-3 वेबसाइट खोल ली, उनमें से देख लिया कि हाँ ये मैक्सिमम है, इन 100 में से भी ये 25 तो हैं ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो वो 25 लिख लिए। यहाँ से हुई मेरी रूल्स की तैयारी। रूल्स की तैयारी तो क्या ही है, मतलब कि चल हाँ आ गया तो कर देंगे, मन में कॉन्फिडेंस भी रहता है इस चीज से कि कुछ तो पता है हमें, पता आ जाएगा तो देखी जाएगी। उसके बाद आई वोकैबुलरी, थोड़ी सी इसमें मीडियम आती है, आसान तो आती नहीं है, मीडियम आती है। गूगल पे वही यूट्यूब पे सर्च कर दिया इंग्लिश वोकैबुलरी, है ना, फॉर डीएसएसबी। हाँ, मैंने उनकी ली थी जयदीप सर की यूट्यूब पे प्लेलिस्ट, जयदीप सर कैरियरविल ऐप, मतलब उन्हीं का चैनल जयदीप सर का, इंग्लिश बाय जयदीप सर का, ठीक है, इंग्लिश बाय जयदीप सर, तो उनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, 152-153 वीडियोस है, ठीक है, मैंने वो सारी तो नहीं ली, बस स्टार्ट करी, धीरे धीरे स्टार्ट करी, कोई 19 मिनट की, कोई 20 मिनट की, कोई 25 मिनट की, कोई 1 घंटे की, ऐसे ऐसे क्लासेस हैं, लेनी स्टार्ट करी, मैंने 100 तक पूरी करी, 100 तक, ठीक है। उस टाइम के जिस हिसाब से फॉर्म निकले हुए थे, उस टाइम के हिसाब से ये था कि पेपर दिसंबर में ही है, हाँ, तब हो रखा था, है ना, किस और तब मैं भी बुरी तरह से लगा हुआ था, और तब मेरे मन में भाई जब जून जुलाई का महीना था ना, तब कुछ ऐसी घटना सी घटी थी, मेरे मन में ये होगा था टॉप करना बिल्कुल, और मैं बिल्कुल सारी चीजें इंग्लिश पढ़ने लग गया और एक एक रिजल्ट मिलने लग गया उसका, और ये जोश फिर मेरा रहा अगस्त सितंबर तक। फिर मेरे नंबर भी तब 135-140 मतलब आने लग गए थे, क्योंकि स्टार्टिंग में 140 आने मेरे लिए तो ऐसा हो गया था, कंसिस्टेंसी बरकरार रखना बढ़िया चीज़ है यार। फिर जब ये लगाना कि आया केस सम केस हो गए, फिर इधर उधर मेरा जो मैं तो काम हो गए, फिर मैं भी थोड़ा पीछे हट गया, फिर फरवरी में जाके दोबारा किताब उठाई, जनवरी में जाके, हाँ फरवरी में, तो फिर बताओ सर आपने फिर क्या किया। उसके बाद वोकैबुलरी होगी, मेरे हिसाब से मैंने इंग्लिश निपटा दी थी, ठीक है, क्योंकि निपटाने का मतलब ये था कि हाँ भाई अपने मन में एक अच्छा खासा कॉन्फिडेंस आएगा, मार्क्स आ रहे हैं, मार्क्स ये था कि 15 तक आ जाना इंग्लिश में, बहुत आया 15 तक, क्योंकि मैंने स्ट्रेटेजी जो मार्क्स का ब्रेकअप किया होता वो मैंने अच्छे तरीके से किया होता, जिस हिसाब से मेरा स्कोर था टारगेट 140 का जैसे मैंने बताया, तो उसी हिसाब से मैंने ब्रेकअप किया हुआ था कि इसमें इतने आगे, वो मैं आगे बताऊंगा कितना क्या क्या ब्रेकअप था, बस जब मैंने निपटा दिया इंग्लिश, उसके बाद मेरा ये था कि बस हाँ भाई
पढ़ते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस टच में रहो, प्लस क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहो, इनको देखते रहो, निकालते रहो आंखों के आगे से। हिंदी में तो वही था, हिंदी में डेढ़ महीने तैयारी करी थी तो उसमें वही अच्छे नंबर। कहाँ से की वो बता दीजिए। इंग्लिश की वही थी, हिंदी हिंदी। हाँ हिंदी की। रीट का जो कोर्स लिया था मैंने कैरियर विल का, उसमें अरुण सर थे, अजय सर थे, अजय हाँ, बड़ा अच्छा पढ़ाते हैं, तो उनकी ली थी मैंने हिंदी की क्लास। जीके बची तो मैंने बताया जिस हिसाब से मैं ब्रेकअप कर रखा था, तो मुझे 5 से 10 नंबर चाहिए थे और वो वैसे मैं तुक्के भेड़ भाड़ के 5-10 आ रहे थे, है ना। तो जैसे कोई बीच में साइंस का क्वेश्चन आ गया, तो साइंस का तो 12th में थोड़ी सी पढ़ी हुई है, तो उसमें कोई फंस गया तो उसमें थोड़े जैसे 5 की जगह 8 बन गए, 5 की जगह 10 बन गए, तो उसमें थोड़ा बूस्ट हो जाता स्कोर। पर ना जैसे मुझे पता था कि जो ये जीके है, जीके में मेरे मुझे पता नहीं मैं कितने ला सकता हूँ, तो जीके ना मैंने अलग ही रखा, ठीक है। तो मैंने जो कैलकुलेट करना चालू किया स्कोर, वो 180 में चालू किया, क्योंकि मुझे 80 में से 200 का पेपर था ना, और 20 की जीके थी, क्योंकि मुझे पता है ये 20 ना मेरे अनसर्टेन है, कि इनमें से चाहे 5 भी आ गए और आने को 10 भी आ गए, आने को 12 भी आ गए, 12 तो मुश्किल है। फिर मैंने इसको सर्टेन करने के लिए कि हाँ भाई 5 तो आए आए, सिविक्स कर ली, ठीक है, पॉलिटी, पॉलिटिकल, पॉलिटी में क्या फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है, कुछ आर्टिकल्स हो गए, आर्टिकल्स हाँ, आपके अनुसूचियाँ होगी, अनुसूचियाँ, ये सारी चीज़, ये सारी चीज कर ली। हाँ। करने का मतलब कि इनका ना जब आप करना चालू करेंगे, अगर आपके पास कम टाइम है तो थोड़ा क्रिस्प रखें, क्रिस्प मतलब कि जितना कम हो सके उतना लिखें, ताकि देखने में याद हो जाए। जैसे मेरे 3-4 महीने थे मैंने लिख लिए थे, मैंने पूरी सिविक्स 5-6 पेज में खत्म कर दी थी, ठीक है। 5-6 दिन में मतलब वही है कि जो मेन मेन पॉइंट्स हैं वो मेरे को पता कैसे लगा, प्रीवियस ईयर से पता लगा कि हम भाई फंडामेंटल राइट्स तो आ रहे हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज भी आ रही हैं, आर्टिकल्स भी आ रहे हैं, प्रेजिडेंट के ऊपर अनुसूचियाँ भी आ रही हैं, ये आर्टिकल्स भी आ रहे हैं, ये सारे कर लिए। स्पेशली फर्स्ट पार्ट के लिए, मतलब स्टैटिक जीके और इसके लिए ना मैं एक चैनल बताना चाहूंगा, जैसे क्रेजी जीके ट्रिक करके, हाँ, क्रेजी जीके ट्रिक, उसको देखिए, मतलब उसकी वीडियो जैसे सबसे बड़ी झील छोटी झील ये सारी ऐसी हाँ। मिल जाएंगी आपको और ट्रिक्स याद हो जाएंगी, ट्रिक्स इतनी आसानी से याद हो जाएंगी, वो चीजें सारी बिल्कुल, इंडिया के कितने दर्रे हैं और उसके अलावा इंडिया की ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, डांसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा जो बताता है। कप हो गए, थॉमस कप वगैरह, हाँ। बैडमिंटन कप, ये कर लेना, और फेस्टिवल्स हो गए, फेस्टिवल्स हाँ। भी आते हैं ना, तो फेस्टिवल्स, डांस, और यही है 3-4 चीजें, ये सिलेक्टेड से टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चन आता ही आता है, हफ्ते 10-15-20 दिन में, मतलब महीने में एक बार इनकी वीडियो रिपीट कर दो देख के, ताकि वो कहीं ना कहीं छप जाए बिल्कुल, क्योंकि हमें पता है भाई इनसे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो फिर आगे बताइए सर, और एक ये और बताओ, जैसे बच्चे पूछते हैं सर जीके के लिए या फर्स्ट पार्ट के लिए एनसीईआरटी पढ़ना कहाँ तक। जीएस में मेरी खुद ही स्ट्रांग नहीं थी, तो मैं तो बस गाइड कर सकता हूँ 5 से लेके 10 नंबर का, और वो गाइडेंस ये है कि अगर 5 से 10 लाने हैं तो एनसीईआरटी कोई जरूरत नहीं है। और हिस्ट्री की भी ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि रिवोल्ट 1857 से 1947 तक एक पूरी वीडियो मिल जाएगी, वो पूरी देख लो, उसी में सारा देंगे, पूना पैक्ट अटैक सत्याग्रह आ जाएगा और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट सारे आ जाएंगे वनलाइनर। हाँ, जो अपने एंशिएंट हिस्ट्री हुई, मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री, हाँ, मॉडर्न, इन तीनों की एक एक वीडियो में कंप्लीट हिस्ट्री, हाँ, पूरी वो देख लो, तो वो देख लो, उसमें ये है कि चल हाँ क्वेश्चन फंस गया तो कर देंगे, नहीं तो नहीं, ये अब हो गया हमारा, ये जीके हो गया, जीके हो गया, जीएस, ठीक है। तो इंग्लिश होगी, हिंदी होगी, जीके होगी, मैथ्स का तो यही है, अगर टॉपिक्स क्लियर नहीं है तो यूट्यूब पे भी क्लियर हो जाएंगे, सारे के सारे टॉपिक एक चैनल पे नहीं मिलेंगे, अलग अलग चैनल मिलेंगे, वो जैसे आपको टॉपिक देखना है टाइम स्पीड डिस्टेंस देखना है तो उसका सर्च कर सकते हैं गूगल पे, यूट्यूब वो करके टाइम स्पीड डिस्टेंस फुल चैप्टर, वो सारे कंसेप्ट आ जाएंगे, उसके बाद लिख लीजिए और उनको सॉल्व कर दीजिए। और प्लस आपकी एक बात मुझे ये नोट की, मैंने आप कह रहे थे कि मैंने स्पेशली मैथ्स की कोचिंग ली, हाँ, तो अब इससे एक बात जो मैं भी कई बार कहता हूँ कि आप कंप्लीट पैकेज लेने की बजाय कुछ सब्जेक्ट्स, जैसे मैथ्स आपका कमजोर है, इंग्लिश कमजोर है हमारी, तो मैथ्स और इंग्लिश की कोचिंग ले लीजिए, है ना, वो ज्यादा इफेक्टिव होगा कंपैरेटिवली कंप्लीट सब्जेक्ट की वो लेने से। और रीजनिंग का भी सेम है, यूट्यूब पे सारी चीज अवेलेबल है, और रीजनिंग का तो कुछ कोर्स है भी नहीं वैसे, तो सीरीज कोई सिखा नहीं सकता आपको, वो आपके दिमाग पर डिपेंड करती है आप कितना उसको प्रैक्टिस से आएगी, वो सीरीज कोई सिखा नहीं सकता, सीरीज होगी, वाटर इमेज होगी, मिरर इमेज होगी, ये सारी चीजें, ठीक है, जो कर सकते हो आप सिलोगिज्म कर सकते हो, यूट्यूब पे मिल जाएगी बिल्कुल, ठीक है। और कटिंग फिगर होती है, है ना, बस, और वो बाकी प्रैक्टिस का काम है, ये जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे सारे सारे टॉपिक्स हमारे ध्यान में आते चले जाएंगे। और एक ट्रिक होती है वो वाली काउंटिंग फिगर्स वाली, वो भी यूट्यूब पे मिल जाएगी सारी की सारी।
ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। अब आइए सर सेकंड पार्ट के लिए स्पेशली क्या करें। सर आपको सब कुछ बताएंगे, इन्होंने मार्क्स कैसे डिवाइड किए थे अपने, कितने कितने लेने हैं, टाइम किस हिसाब से इस टाइम पर रखा था इन्होंने कि भी इतने टाइम में मैंने कंप्लीट करना है, टाइम मैनेजमेंट, टाइम टेबल, मतलब सब कुछ बताएंगे। आप थोड़ा सा वेट करो, एक एक चीज़ें धीरे धीरे सुनते जाना बस, फिर आगे बताइए सर सेकंड पार्ट। तो अब आता है मेन पार्ट है, जो कि सेकंड पार्ट है, 50% ऑफ द पेपर है, 100 नंबर का है। एटलीस्ट अचीव अगर आपका टारगेट 140 का है या 150 का है, तो आपको देखना पड़ेगा आप कैसे डिवाइड कर रहे हो पार्ट ए और पार्ट बी में। पार्ट ए में जैसे कि आपने, अगर आपके 60 तक आ रहे हैं या 70 तक आ रहे हैं, तो उतने ही आपको 70 लाने पड़ेंगे। पार्ट बी में अगर आपको 140 अचीव करना है, तो वो आपके एनालिसिस के ऊपर है, आप क्या देख रहे हैं अपने मॉक टेस्ट के एनालिसिस में, आप क्या देख रहे हैं। कोई क्या करते हैं भाई, हाँ टेस्ट दिया चल बंद कर आगे तो वर्थलेस है ना, वो कुछ फ़ायदा नहीं है। टेस्ट चाहे महीने में एक बार दो, पर उसको एनालाइज करो, है ना। और टेस्ट की कोई कमी नहीं है, टेस्ट सबसे अच्छी है, टेस्ट बुक को सारे मिल जाएंगे। ग्रेड अप भी है, पर ग्रेड अप के ना जो मॉक है उनका वो लेवल नहीं, लेवल थोड़ा सा लेवल कम है वो, ठीक है। तो उसमें भी अगर आसान लेवल में आप 150 भी लें तो कोई फायदा नहीं है। बात जब बनेगी, जब आप हार्ड में भी 130 लेके आओगे तो बात बनेगी, है ना। पार्ट बी में मैंने बताया NIO मेन है। 2019 वाला जो पेपर था जो हुआ था, उसमें क्या था, पूरे की पूरे उठा के दे रखे थे सिंपल एज इट इज लाइन, और बस आखिरी में डैश दे दिया और डैश हटा के फिल इन द ब्लैंक्स ही बन गया, है ना। अल्बर्ट बंडूरा की एक लंबी सी लाइन होगी या फिर और किसी की होगी, स्किनर की होगी, है ना, मोटिवेशन इज द ओनली हाईवे ऐसे वगैरह करके, तो ये सारी लाइनें उसमें डायरेक्ट दी होती हैं, exactly. है ना। तो वो आपको याद कर लेनी है, याद भी ऐसे नहीं करनी, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल ले लिया आई स्नैक का, ले लिया आई स्नैक की एक बहुत ही बड़ी स्टेटमेंट है और वो आ जाएगी सीधी सीधी उठ के, और आ भी रखी है 2019 वाले पेपर में, ठीक है। तो वो स्टेटमेंट उठ के आ गई आपके पेपर में, आपको पूरी स्टेटमेंट याद नहीं करनी किसने दी थी। आई स्नैक के हिसाब से कोई भी एक ऐसा कीवर्ड जो मेन कीवर्ड हो पूरे स्टेटमेंट का, वो मार्क कर लो बस, कि भाई आई स्नेक है तो पर्सनैलिटी आ रही है, पावर पर्सनैलिटी आ रही है, तो पावर पर्सनैलिटी दिखते ही मैं क्या मारूंगा, आई स्नेक क्लिक करूंगा, ठीक है। इससे क्या होगा, स्टेटमेंट जो आपके 20-30 हैं उनको याद करने में बहुत आसानी हो जाएगी। जैसे वो कहते हैं ना, बिने ने कहा था ना, बिने ने एक्सपेरिमेंट, तार्किक चिंतन है बुद्धि, तो किसने कहा था, बिने, बिने, तो इस टाइप से चीजें याद। तो मेन आप कीवर्ड्स मार्क कर सकते हो डेफिनेशन में, जैसे मेरे पास थी 20 डेफिनेशन थी, तो उसमें मैंने एक कीवर्ड मार्क कर लिया था कि हाँ भाई यही आएगी। बाकी नोट्स का अगर एक थोड़ा आइडिया दिखाना हो तो आप स्क्रीनशॉट डाल देना, स्क्रीनशॉट मतलब मैं फोटो भेज दूंगा उसकी, स्क्रीनशॉट डाल देना, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगी नोट्स कैसे बनाने। हाँ आइडिया, और ये जो ये गोले वाला बताया मैंने स्टेटमेंट का, उसकी फोटो आपको दिख जाएगी यहीं पर स्क्रीन। उसके बाद दूसरे जो टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर, वो आते हैं आपके अंडरस्टैंडिंग बेस, मतलब वो आप कोई भी किताब पढ़ लो, कहीं से पढ़ लो, वो किसी किताब में नहीं मिलेगा, वो आपको अपने दिमाग से धीरे धीरे अपनी थिंकिंग पैटर्न BSSB और साइकोलॉजी के थिंकिंग पैटर्न के साथ मैच करनी पड़ेगी, तब वो क्वेश्चन सॉल्व होंगे, जब वो डेवलप होगी ना तब वो फायदेमंद रहेगी, है ना। तो उसके लिए क्या करें सर? उसके लिए तो कोई नहीं है, उसके लिए तो यही है मेरे ख्याल से, NIOS प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस प्लस जहां से भी जितने आपका आप पैशनेट हो गए, तो धीरे धीरे नई नई चीजें मिलती जाएंगी, तो धीरे धीरे अपने आप ही। और ये जो NIOS है ना, ये इनको ये समझ के मत पढ़ना कि हाँ भाई नंबर लाने हैं। NIOS एक प्रोसेस है, प्रोसेस मतलब एक किताब की तरह पढ़ो, जैसे किताब, जैसे क्योंकि NIOS जो दिया है वो 10 किताबों का, वो कोई ये थोड़ी है कि 10 दिन में कंप्लीट है, वो पूरा कोर्स है, तो उसको इस हिसाब से पढ़ो, ठीक है। और पॉइंट्स अगर टाइम कम है तो वही मार्क करो जो इम्पोर्टेंट है, वो पता लग जाए, जब आप पेपर दे दोगे, एक दे दोगे, दो दे दोगे, तब आपको ये पता लग जाएगा कि हाँ ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, है ना। जैसे मैथ वाली बुक है ना उसकी, उसमें इतने सिंपल सिंपल मतलब लिखे हुए सामने और वही पूछे हुए, वही पूछे हुए, हाँ वही सेम, योगा वाले में से बिल्कुल सेम टू सेम उठा रखे थे, हाँ तो वही चीज है, अब की बार भी। हाँ तो ये चीज है, जैसे आपका टाइम कम है तो जिसमें आपको नंबर आ सकते हैं ना वो पढ़ो फटाफट, जैसे कि मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में फटाफट वो स्टेटमेंट ही हो, तो वो कुछ कुछ छोटे स्टेटमेंट होती है वो आ जाती है बस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एक ही हो गया। और जब आप प्रोसेस को फॉलो करोगे ना NIOS का, तो उसमें आपकी जो सेकंड टाइप ऑफ अंडरस्टैंडिंग बेस, वो अपने आप डेवलप हो जाएगी, आपको पता लग जाएगा। और मेन पॉइंट तो यही है कि बच्चे को खुश रखना है बस, ठीक है, जो आपको बच्चा आप जिसको पढ़ाओगे उसको खुश रखना है बस, और उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए। इन दो पॉइंट से आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो अगर बच्चे के ऊपर आया है। तो तीसरे टाइप के क्वेश्चन आएंगे फैक्ट बेस्ड आएंगे, वो फैक्ट बेस्ड तो आपको NIOS पढ़ के ही पता लगेंगे, NIOS या फिर जो भी आप अपनी रेफरेंस बुक भी यूज कर सकते हो, चाहे वो सरोवा पब्लिकेशन कर सकते हो या किसी भी पर्टिकुलर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट की भी यूज कर सकते हो।
सरोवा भी कर सकते हो, हाँ सरोवा कर सकते हो। जो फोर्थ टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो होते हैं सब्जेक्ट पेडागोजी बेस्ड, मैथ्स, सोशल साइंस, साइंस और ईवीएस, ये चार के आते हैं। और ये चारों की किताब इंग्लिश के भी आ जाते हैं बीच में। हाँ, और ये चारों की किताब है आपके पास NIOS के पास, NIOS है ना। तो NIOS ये चारों पढ़ लोगे ना तो ये है कि हाँ भाई ना क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि छूटेगा ही नहीं। हाँ, इन चारों का जो क्वेश्चन आएगा ना सीधा आएगा, स्टेटमेंट बेस्ड ही आएगा। और वो आपको बस अगर याद है तो कर दोगे, अगर याद नहीं है तो तुक्का मार के गड़बड़ हो सकती है, है ना। तो फैक्ट मतलब आपको याद ही होना चाहिए, मतलब वो है रटने वाला काम है, वो आपको याद होना चाहिए। और सेक्शन ऐसे डिवाइड होंगे, मैथ्स और ईवीएस एक ही सेक्शन में आएगी, और सोशल साइंस और साइंस एक सेक्शन में आएगी, और लैंग्वेज एक साथ आएगी। हाँ, लैंग्वेज एक साथ आएगी। तो ये चीज होगी, ये हो गए आपके चार टाइप के क्वेश्चन। तो यही क्वेश्चन है, और इसके लिए आपको NIOS से पूरा गुजरना इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है NIOS, क्योंकि जब तक आप करेंगे नहीं पूरी, जब तक DSS में तो कम से कम नहीं हो पाएगा। हाँ, क्योंकि ये ना बेसिक NIOS आज के टाइम पे ना केवल एक बुक्स नहीं रही है, वो थिंकिंग पैटर्न बन गया DSS भी का, वो सोचता ही NIOS की तरह है। सोचना ही पड़ेगा कि 100 क्वेश्चन नहीं थोड़ी है कि 30 क्वेश्चन है, हाँ भाई चल उठा के हाँ, डाल दिए। अब 100 तो उनको कम से कम ये करना पड़ेगा, हर तरह के, हर तरह के डालने पड़ेंगे, हाँ तरीके पढ़ाने पड़ेंगे। इतने है कि है नहीं कि सोच के खुद से बनाए क्वेश्चन डाल जाए, वो तो वो क्या करते हैं कॉपी पेस्ट करते हैं। हाँ। और स्टेटमेंट से कुछ चीज हटा दी, बताओ भाई किसने। एग्जैक्टली, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट की जरा सी स्टेटमेंट में गड़बड़ होते हैं ऑब्जेक्शन आ जाएगा। हाँ। तो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहेगा ना, तो वो खुद से बना नहीं सकते क्वेश्चन। हाँ। और बनाना पड़ गया तो उन्हीं को दिक्कत आएगी, आखिरी में ऑब्जेक्शन उठेगा और उन्हीं को नंबर उड़ाने पड़ेंगे, कुछ हटाना पड़ेगा क्वेश्चन। तो अब ये हो गया सर हमारा सेकंड पार्ट, ये अब करते करते प्रिपरेशन कितना टाइम हो गया था आपको ये करते करते? देखिए फिर बाद में पता लगा, अगस्त के बाद पता लगा हाँ भाई इसमें तो पेपर है नहीं। फिर भाई है तैयारी स्लो तो हुई पर बिल्कुल खत्म नहीं हुई। हाँ। स्लो का मतलब ये है कि जो मैं NIOS को चैप्टर फटाफट लिपटा रहा था एक दिन में, दो दिन में एक लिपटा रहा था, वही मैंने एक हफ्ते में लिपटाना चालू कर दिया। ठीक है, इससे क्या फायदा हुआ कि अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बढ़ जाएगी इससे, है ना। तो दिसंबर ऐसे करते करते खत्म हो गया। ठीक है, फिर आया जनवरी, जनवरी में फिर ऐसी न्यूज आई कि सेप्टेम्बर में, फिर मुझे टेंशन हो गई कि भाई तैयारी तो कर ली है, अब सेप्टेम्बर तक यही सेम पड़े। मेरी जनवरी तक मेरे हिसाब से पूरी हो गई थी, best, मैंने खत्म कर ली थी कि भाई इससे आगे तो मेरा बढ़ ही नहीं सकता, स्टैग्नेशन से आ गया था कि ये बेस स्कोर सेट हो गया है, अब तो प्रैक्टिस करते रहो करते रहो और पढ़े क्या भाई, सब कुछ तो आता है। जनवरी टाइम आ गया था, जनवरी के आधा 15 जनवरी के आसपास, तो मेरा स्कोर बनने लग गया था 140 प्लस, 145, 150, 150 से प्लस कभी कभी। ठीक है, तो ऐसे बनने लग गया था। ठीक है, तो इससे क्या पता लगता है कि अगर आपका स्कोर स्टार्टिंग में कितना ही बन रहा हो, आपका चाहे स्टार्टिंग के मॉक में स्कोर 80 बन रहा हो, 100, 100 कितना ही बन रहा हो, उससे डिपेंड नहीं करता। डिपेंड क्या करता है, आपने मेहनत कितनी करी है बाद में। ठीक है, मॉक टेस्ट को इन चीजों को एनालाइज किस एनालाइज किस हिसाब से किया है। हाँ, तो क्या होता है, कुछ बंदे क्या होते हैं मेरी जानकारी में, उन्होंने मेरे साथ तैयारी चालू स्टार्ट करी, उनका स्कोर स्टार्टिंग में बन रहा था 100 और जब रिजल्ट आया उनका तब भी 100 ही रहा। ज्यादातर बच्चे ऐसे होते हैं, मॉक टेस्ट दे दिया, हाँ भाई चल तैयारी पे लग जा, अंधी तैयारी होती है, इसे कहते हैं अंधी तैयारी। अंधी तैयारी का मतलब कि पता नहीं पेपर में क्या आ रहा है, बस पढ़ ले, सिलेबस में दे रखा है तो पढ़ ले, है कि अंधी तैयारी नहीं करनी। अंधी तैयारी का मतलब ये है सिलेबस को देख के और पैटर्न को देख के और प्रीवियस ईयर को देख के तैयारी करनी है, कोऑर्डिनेट करके चलना है। क्योंकि अगर ऐसे करोगे ना तो अगर आपके पहले मॉक में जो आपने फॉर्म भरते मॉक दिया है अगर उसमें 100 आए ना तो लास्ट में पेपर देने में आपके 100 ही आएंगे, क्योंकि इससे क्या होता है आपका कोऑर्डिनेशन नहीं बैठता है सारी चीज़ों के बीच में। अब ये थोड़ी है मैं कर रहा हूँ DSSB की तैयारी और मैंने पढ़ ली CTET की सारी पैडागोजी पढ़ ली, CDB पढ़ ली, इससे कुछ होगा थोड़ी, है ना। तो बंदे क्या करते हैं, हमारी CTET की पैडागोजी कर ली है, अब देखा जाएगा कितने नंबर आएंगे, देखा जाएगा क्या पेपर देके देखते हैं, हाँ इतने आए हैं चल कोई नहीं अगला दे देंगे, वो ही देखते हैं कि जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो कहाँ से आए, ठीक है ना। तो ये मेन बात होगी, ये हो गया सर अब हमारा प्रिपरेशन कैसे करें। अब चीज आ जाती है इन मार्क्स को हम जो लूप होल्स हमारी प्रिपरेशन में रह जाते हैं ना उनको कैसे कवर करें। अब जैसे टाइम मैनेजमेंट हुआ, हमारा बेस स्कोर हम टारगेट कैसे लेके चलें, ये सारी चीजें जो आपने पर्सनल स्ट्रेटजीज बनाई थी जहाँ कहीं ना कहीं मैं या फिर मेरे जैसे जो और रह गए वो पीछे रह गए, उसको कैसे पूरा करें भाई। देखिए अभी तो जैसे मेरा स्कोर 96 है, हाँ तो अभी ना अभी कहीं ना कहीं सच्चाई है मैं अभी तो रेस से भारी हूँ। हाँ। ठीक है, रेस पर ये मेरे को एक्सपीरियंस है कि 156 कैसे लाए, मुझे हाँ। ये पता है 156 कैसे लाए जाए। हाँ, हमने ठीक है वो है ना कि पास होने की हाँ। टेक्निक तो कोई भी नहीं बता सकता। हाँ, कोई नहीं। अगर कल को 10 वैकेंसी आ गई तो क्या 170 वाला पास हो जाएगा? नहीं होगा। पास होने की टेक्निक तो वैकेंसी ही बता सकती है बस,
आप हमें, हम जिस आपसे ये चाहते हैं कि जो 156 वाला धमाका किया ये कैसे किया, तो मैं तो बस ये बता सकता हूँ 156 कैसे लाए। तो जैसे आपने पूछा लूप होल कैसे पता लगे, तो लूप होल आपको मॉक टेस्ट ही एक रामबाण है, सारी चीज मॉक टेस्ट में छुपी है, मॉक टेस्ट से ही आपको सब कुछ पता लगेगा। मॉक टेस्ट के बिना कुछ नहीं है, ये भी दिखाऊंगा ना, ठीक है। तो बात क्या हुई, जनवरी 15 के आसपास प्रिपरेशन पूरी होगी मेरे हिसाब से कि हाँ भाई चल आ रहे हैं, अच्छे नंबर हो जाएगा, देखी जाएगी जो होगा, ठीक है। उसके बाद जब आप मॉक देते हैं, आपके पास दो चीज़ें होती हैं, एक तो स्कोर, एक होता है टाइम। पहले देखो स्कोर कितना आ रहा है, स्कोर अगर आपका सही बन रहा है आपके हिसाब से, मेरा बन रहा था 150, मतलब 15 जनवरी के आसपास मेरा टाइमिंग भी सही बैठ रही थी। लास्ट में करने के बाद 10-11 मिनट बचे रहे थे पेपर में, 200 क्वेश्चन करने के बाद बचे रहे थे पेपर में, तो वो टाइमिंग कैसे बिठाई। और स्कोर तो आपको बता ही दिया सारा कि स्कोर कैसे लाना है। अब है मेन टाइमिंग का, टाइमिंग देखिए, अब पेपर तो बड़ा हार्ड मतलब टाइमिंग, टाइम बाउंड पेपर है, क्योंकि हर 20 क्वेश्चन के बाद सबमिट करना पड़ेगा, और वही मेन क्रिटिकल पॉइंट है इस पेपर का, है ना। और दूसरा क्या है, 200 क्वेश्चन है 120 मिनट में, है ना, तो वो एक मिनट से भी कम आपको मिलता है, ठीक है, एक क्वेश्चन के लिए। तो आपको स्ट्रेटेजी उस हिसाब से बनानी है। अब स्कोर बन चुका है 150 प्लस, अब टाइम है टाइम देखने का, ठीक है। अब समय आई दिखाओ ना, क्या लिखा है ये नीचे, यहाँ से ऊपर वाला नहीं दिखाना, वो अभी बता देख सकते हैं, मतलब आप लोग ये देखो, है ना, इसको वैसे भी फोटो भी दिखा दूंगा। हाँ, तो ऐसे होती है यार तैयारी, क्योंकि बारीक बारीक सी चीजें, तब मजा आता है। फिर चलो बताओ, अब 15 तारीख आई, स्कोर बन चुका था 150, टाइम बताता हूँ कैसे सेट करना है। टाइम जितने ही मैंने 15 तारीख तक सारे मॉक दिए थे, सारे मॉक निकाल लिए, सामने स्कोर निकाल लिया, हर मॉक का टाइम लिखा, रीजनिंग में मिनिमम टाइम लिखा, मैक्सिमम टाइम लिखा, और जितने भी 10 मॉक में टाइम लगा था उसका एवरेज निकाला, ठीक है। सेम फॉर इंग्लिश, सारे सब्जेक्ट के लिए सेम, ठीक है। तो रीजनिंग के लिए मेरा एवरेज टाइम 15 मिनट था, तो मेरे को पता लग गया कि हाँ भाई 15 मिनट मैं लूंगा, रीजनिंग में चाहिए ही चाहिए, हाँ मॉडरेट कंडीशन से मैं 15 मिनट लूंगा। उसके बाद मैंने लिखा मिनिमम टाइम रीजनिंग में ही, उन 10 पेपरों में से मेरा मिनिमम टाइम कितना है, मिनिमम टाइम मेरा 11 मिनट का आया। तो मतलब कि अगर आसान से आसान पेपर आएगा तो मैं 11 मिनट से लूंगा, ठीक है। उसके बाद निकाला मैक्सिमम टाइम, कि हार्ड से हार्ड भी आ गया तो मैं लूंगा 19 मिनट, लगभग 20 मिनट लूंगा मैं अगर हार्ड से हार्ड पेपर भी आ गया। तो इससे क्या होगा, मेरे पास 3 टाइम फ्रेम हो गए, कि आसान आया तो 11 मिनट में कर ही दूंगा, हार्ड आया तो 15 मिनट में कर दूंगा, 20 मिनट में, और मॉडरेट आया तो 15 मिनट में, एवरेज हाई प्लस माइनस फोर, ठीक है। अब इससे पता लग गया, और उसके बाद मैंने ये सभी सब्जेक्ट का निकाला और डिवाइड किया जिस हिसाब से पैटर्न आते हैं। पहले रीजनिंग आती है, फिर जीके आती है, फिर मैथ आती है, फिर इंग्लिश आती है, और आखिरी में हिंदी आती है। तो रीजनिंग मैंने मान लिया मेरे को 15 मिनट लगे, मेरे पास बचे 45 मिनट बच गए। जीके का भी सेम निकाला, मिनिमम मैक्सिमम एवरेज, एवरेज टाइम को आपको मैनेज करना है। वो जो मेरा 45 मिनट मतलब मैंने पेपर चालू किया, रीजनिंग मेरी खत्म होगी, मेरे पास अभी स्क्रीन पे दिख रहे हैं 45 मिनट मेरे को दिख रहे हैं स्क्रीन पे, मेरे पास अभी 180 क्वेश्चन बाकी है। जीके पे आया, जीके मेरे को पता है मैक्सिमम एवरेज मेरा 4 मिनट लेगी, मैक्सिमम मेरा 4.5 मिनट लेगी, ठीक है, 4 मिनट मेरा लेगी। तो 45 में से 4 मिनट काट भी दिए तो 41 मिनट मेरा बचेंगे। मैथ्स का आया, मैथ्स का एवरेज टाइम मेरा 20 मिनट, 20 क्वेश्चन के लिए 20 मिनट। अब काफ़ी बच्चों को क्या होता है ना, ये 20 क्वेश्चन करने में उनको 30 मिनट 35 मिनट लग जाते हैं, तो फिर ठीक है, उसके लिए एक ही उपाय है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस, और कोई इसका चारा ही नहीं है। और प्रैक्टिस के लेवल में पहुंच जाओ, इसके लिए उपाय है कि आप स्पेशली उस सब्जेक्ट की कोचिंग ले लो, मतलब कहीं से इधर उधर से सीख लो वो चीजें, लेकिन एक बार मेहनत आपको डेडिकेटेड होकर सब्जेक्ट के लिए करनी पड़ेगी, उसके लिए जिसके आपके नंबर बहुत कम बैठे। हाँ ठीक है, तो मेरे मैथ्स में ना कभी भी 15 से नीचे नहीं आए, 15 से अप ही रहे हैं, तो उससे मेरे को पता लग गया। मैं अब वो उसका बताऊंगा, स्कोर ब्रेकअप भी किया कर रखा है मैंने, वो भी बताऊंगा, ठीक है। मैथ्स के मेरे लगते हैं एवरेज 20 मिनट, मिनिमम 17 मिनट और मैक्सिमम 24 मिनट। तो मगर हार्ड से हार्ड पेपर भी आ गया तो मेरे को 24 मिनट ही लगने हैं, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया, 41 मिनट बचे थे जीके करने के बाद, 20 मिनट मैथ के लगा लिया, एवरेज निकाल दिए, 21 मिनट बचेंगे मेरे पास, सेक्शन बचेंगे इंग्लिश का और हिंदी का, दो बचेंगे। इंग्लिश में मेरे को एवरेज लग रहे हैं 8 मिनट, तो 8 मिनट भी 21 में से माइनस कर दिए, 13 मिनट बचेंगे हिंदी के लिए। और हिंदी में मेरे को एवरेज लग रहे हैं 7 मिनट, ठीक है।
तो ये आखिरी में 6 मिनट बच जाएंगे आखिरी। अब इन मुझे ऐसा लगता है आप ये करोगे 6 मिनट को आप मैथ या रीजनिंग में यूटिलाइज कर सकते। हाँ, तो ये 6 मिनट ना आपके पास पूल है। हाँ। अब मेरे को ये पता लगे मेरे पास ये पूल 6 मिनट है एक्स्ट्रा। हाँ। तो अगर मेरे से अगर कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा, अगर ये 24 मिनट से मेरा मैथ का मैक्सिमम 24 मिनट था और मेरे को लग रहा है मेरा मैक्सिमम 24 मिनट अचीव हो चुका है मैथ्स का, पर ये क्वेश्चन मैं कर दूंगा 1-2 मिनट लगा के, तो मेरे दिमाग में रहेगा हाँ मेरे पास 6 मिनट का आगे पूल बचा हुआ है, कंपनसेट हो जाएगा। हाँ, तो वो उसमें डाल दो। हाँ। और अगर नहीं तो बेस्ट, तो अगर सारी चीज़ें जो प्लान करी वो चली तब तो 6 मिनट लगा के बची जाएंगी है ना। फर्स्ट सेक्शन ऐसा हो गया, ठीक है, तो फर्स्ट सेक्शन में 54 मिनट्स लगे, प्लस माइनस 6 हो सकते हैं, मतलब 60 मिनट तक आपने 5 मिनट आपके पास एक्स्ट्रा बच जाएंगे। अब उन 5 मिनट को आप कहीं भी यूटिलाइज कर सकते हो, स्पेशली मैथ्स और रीजनिंग में। पर यूटिलाइज करने भी आपके माइंडसेट पे है। हाँ। क्योंकि इसमें क्या होगा, अगर आपने रीजनिंग लॉक कर दिया तो आप पीछे जा नहीं पाएंगे। हाँ। तो वो 6 मिनट किसी काम के रहेंगे। हाँ। नहीं फिर, और ये तभी तो पहले ही आपको वो करना पड़ेगा ना कि जज करना पड़ेगा कि हाँ कर सकता हूँ मैं। हाँ। और ये आएगा प्रैक्टिस से। हाँ। जब आप कर लोगे 20-25-30 पेपर कर लोगे तब आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ यार आगे 6 मिनट है और रीजनिंग में 2 मिनट एक्स्ट्रा लग रहे हैं तो लगा देता हूँ, हो जाएगा आगे 4 मिनट बन जाएंगे आगे। ठीक है, फिर अब सेकंड पार्ट के लिए। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट का। ठीक है, सेकंड पार्ट में मैंने ऐसे ही सारा सेम किया, 10 पेपर लिए, सबका एवरेज निकाल दिया, एवरेज आया 45 मिनट्स। मतलब मैं 100 क्वेश्चन 45 मिनट्स में कर दे रहा था। उसके बाद मिनिमम टाइम मेरे को किसी भी सेक्शन में लगा 38 मिनट्स। तो 38 मिनट में मैंने मिनिमम टाइम में 100 क्वेश्चन कर दिए थे। हाँ। और मैक्सिमम किए थे 53 मिनट में। ठीक है, ठीक है, तो इसका मेरा 45 मिनट आया, मतलब जो मेरे पास आगे 60 मिनट बचे हैं पार्ट बी के लिए उसके पास 45 मिनट यूज़ किए और 15 मिनट और एक्स्ट्रा बच गए उसमें से, है ना। तो पूल मेरे पास कितना बच गया, 15 मिनट इसका और 6 मिनट उसका, तो 21 मिनट का पूल है। पूल मतलब वो आपके लिए फ्री टाइम है। फ्री टाइम ये नहीं कि करके बैठ जाओ, करके ये आपको 21 मिनट देखने पहले से ही आगे का देखना। हाँ। मेरे पास उसके बाद 6 मिनट बच जाएंगे। हाँ। तो उनको क्यों ना मैं अभी यूज कर लूं। और ये तब आएगा जब आप पहले से ही एक पीरियड ऑफ टाइम प्रैक्टिस करते जाओगे, फिर आपको जनरलाइज। अब ये 21 मिनट का तभी फायदा है तब आप पहले जज कर लो कि हाँ यार ये मुझे अभी करना पड़ेगा क्योंकि वापस आ नहीं पाऊंगा इसमें। फिर ये फायदा नहीं कि आपने 200 क्वेश्चन कर दिए और फिर भाई देखा यार 20 मिनट बचे हैं अब क्या करूं बैठ के। हाँ, इसे बढ़िया मैथ का कर लेता। एग्जैक्टली तो ये चीज़ है, ये आपको प्रैक्टिस से ही आएगा। ठीक है, जब ये हो जाएगा तो फिर हमारा कई बार ये होता है ना कि मैथ में मान लो 10-15 क्वेश्चन नहीं आया और हम सोल्व कर सकते उसको, 2-3 बार कर लिया फिर भी नहीं आ रहा। हाँ। फिर हमें मन में यार टाइम तो बचेगा नहीं, तो फिर अगर प्रैक्टिस करके फिर हमें ध्यान आएगा यार लास्ट में मेरे पास 21 मिनट 20 मिनट 15 मिनट बचती है तो क्यों ना थोड़ा सा शांत हो गए, इसको भी छोड़ देता हूँ, 1-2 क्वेश्चन और करके फिर वापस आ जाऊंगा इसमें, क्योंकि लास्ट में मेरे पास टाइम बचता है तो वो यूटिलाइज हो जाएगा। और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ना। हाँ। तो ये जो 2 घंटे टाइम आपको कम लग रहा है ना वो इनफ लगने लग जाएगा। हाँ। अब जैसे जो मैंने बना रखी है इस हिसाब से 20 मिनट एक्स्ट्रा है। Exactly. 20 मिनट में तो कोई भी सेक्शन करवा लो दूसरा भी, अगर 220 भी होते तो इस 20 मिनट में और भी हो जाते, और भी हो जाते। तो ये 20 मिनट आपके जो एक्स्ट्रा बचे हैं ये मेरी स्ट्रेटेजी के हिसाब से आया है, मेरे स्कोर के हिसाब से है। ये 20 मिनट आपके लिए कुछ भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। आपके लिए 20 की जगह 25 ही बच सकते हैं, 30 के लिए 5 मिनट 5 बच सकते हैं किसी के लिए। ठीक है, तो ये कंप्लीट मेरी स्ट्रेटेजी के हिसाब से है और मेरे माइंडसेट के हिसाब से है, क्योंकि ये नहीं है कि सारे करके बैठ कर 20 मिनट एक्स्ट्रा है तो वो खाली हो, 20 मिनट बचा भी लिया तो कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है फिर तो, मतलब जेब में अपने अकॉर्डिंग इंप्रोवाइज करके यूज कीजिए, वो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। और तो ये हुई टाइम की बात। ठीक है सर, उसके बाद आते हैं स्कोर की बात। ठीक है, ठीक है। अब आपको एग्जाम से पहले नहीं, एग्जाम की जब आप मॉक टेस्ट देने चालू करेंगे और जब आपका स्कोर सही सही बनने लग जाएगा तो आपको प्रेडिक्ट करना पड़ेगा कि आपका स्कोर मैक्सिमम शिफ्ट में कितना बन सकता है, मिनिमम शिफ्ट में कितना बन सकता है और अगर आई मॉडरेट शिफ्ट उसमें कितना बन सकता है। तो सेम फॉर इसी में ऐसा करना है, 10 पेपर जितने भी दिए हैं निकाले, रीजनिंग का निकाला, रीजनिंग के सबका एवरेज स्कोर जो कि है 18, मतलब मेरा एवरेज स्कोर 18 बन रहा 10 पेपर में, मिनिमम मेरा बना 15, मिनिमम 15 बना मेरे 10 पेपरों में और मैक्सिमम बना 20 में, और अटेम्प्ट मेरा 20 ही है, 20 ही है। मतलब मेरे को अटेम्प्ट सारे ही करने हैं चाहे कुछ हो जाए, क्योंकि मेरे को पता लग गया कि अगर मैं सारे अटेम्प्ट कर भी दिए ना तो मेरे 15 तो बने ही बने, है ना, कि मिनिमम मेरे 15 बने ही बने अगर गंदे से गंदा पेपर। और ये मत सोचना कि आप लोग बगैर प्रैक्टिस के सीधे अटेम्प्ट 20 के 20 कर रहे हैं फिर 15 एक्सपेक्टेड हो, ये 20 तब एक्सपेक्ट कर रहा है जब कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं आ रहा है जो इसको नहीं आता। ये तब है कंप्लीट तैयारी के बाद एनालाइज करना कि हाँ भाई रीजनिंग ना जो मैं कर सकता था वो मैंने कर दी है बिल्कुल, और अब मेरा टाइम है इसको थोड़ा सा और आगे लेके जाने का। तो इससे जो ये मैंने डाटा निकाला कि एवरेज मेरे को लेके 18 मिनट,
अटेम्प्ट मैं 20 ही करूँगा और मिनिमम 15 और मैक्सिमम 20। तो इससे मेरे को पता लगा अगर मेरा गंदे से गंदा पेपर ही हुआ ना तो 15 तो मेरे आएंगे ही आएंगे, और मैक्सिमम अच्छा तो 20 है ही, तो 20 तो वेरी गुड नंबर है, ठीक है। एवरेज मेरा 18 है, ठीक है। फिर आगे जीके, जीके में 6 नंबर मेरे एवरेज, ठीक है, और 2.75 मिनिमम और 8 मैक्सिमम, ठीक है, ठीक है। तो ये स्ट्रेटेजी मेरी थी कि कम लेके आने, वो आप पे डिपेंड करता है कि अगर आपको जीके में 10 से प्लस स्कोर करना है तो फिर मेहनत उसके अकॉर्डिंग करनी पड़ेगी, उसके अकॉर्डिंग करनी पड़ेगी, और आपका ये जो डाटा है उस हिसाब से सेट हो जाएगा, कम में सेट हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे जीके में थे 6 नंबर, मैथ्स में मेरे 19 आ रहे थे एवरेज, ऑन एवरेज अटेम्प्ट मेरे को सारे 20 ही करने थे, ठीक है, और मिनिमम मेरे मैथ में 17.5 नंबर और मैक्सिमम तो 20 आ ही रहे हैं, इंग्लिश में आया 15। तो जिस हिसाब से मैंने करी, जो मैंने आपको बताया 50 इंपॉर्टेंट रूल सीख लो और 100 वो लिख लो क्या बोलते हैं वोकैबुलरी, ठीक है, तो उस हिसाब से आपके 15 आ जाएंगे अगर आप उनको करते रहोगे तो, ठीक है। मेरे 15 नहीं तो अगर इंग्लिश में आप बेसिकली अगर यार 14 के आसपास भी आ गए ना, क्योंकि एक नंबर बहुत मायने रखता है, क्योंकि अगर 13 और 15 के बीच में भी आ जाते हैं तो आप एटलीस्ट ये है कि पैनिक नहीं होगा फिर यार बहुत कम नंबर आ गए मेरे, तो वो आपके टारगेट पर डिपेंड करता है कि आप इंग्लिश में कितना लाना चाह रहे हो, 15, 20, 25 डिपेंड करता है टारगेट पर, ठीक है। तो इंग्लिश में एवरेज 15 स्कोर आ रहा था, मिनिमम 10-11 और मैक्सिमम 18-19, ठीक है। हिंदी में भी सेम, 17.5 एवरेज, 20 क्वेश्चन ही करने थे इंग्लिश हिंदी में ही, मिनिमम 15 और मैक्सिमम 20। और अब देखो मैं जिस हिसाब से आपने लिखे हैं ना, इससे आइडिया लग रहा है कि हर सब्जेक्ट में लगभग आपके 17.5 से ऊपर ही रह रहे हैं ना, केवल एक जीएस है जो थोड़ा जीएस वही है। तो ये बाकी ये बने इसलिए था कि मैंने जीएस छोड़ा है ना, तब ये नंबर बने, कंपनसेट कर सके एवरेज स्कोर 75.5, ठीक है। तो ये एवरेज स्कोर आएगा, और मिनिमम स्कोर को भी काउंट करो, ठीक है, कि अगर गंदी से गंदी आपके बहुत गंदी दुर्गति होगी पेपर में तो 61 तो आए ही आए, ठीक है, 61 तो आएंगे ही आएंगे, और अच्छे से अच्छा भी हो गया 86 85 तो रहेंगे, हाँ रहेंगे, ठीक है। सिडबी में सेम 74 एवरेज बन रहे थे और मिनिमम 62 और मैक्सिमम 75 इसमें भी हो गए, 150 अबाउट जा रहे हैं, हाँ ये 150। तो मेरा जो वो था क्या बोलते हैं जो ब्रेकअप था, तो इस हिसाब से मेरा अचीव होता है एवरेज के हिसाब से, जो कि 150 पहुंच रहा है, ठीक है। मिनिमम भी देख लूंगा तो 133 आ रहे हैं मेरे, ठीक है। ये दिखा दे भाई इनको, देखो अगर मिनिमम भी स्कोर इनका आप चेक करोगे ना तो कंप्लीट हो रहा है, और मैक्सिमम में तो फिर झंडे ही गड़ गए। मिनिमम कितने बने, 166 बने, ठीक है। तो इससे क्या लग गया कि भाई अगर जो मैंने पढ़ाई करी है उसके हिसाब से मेरे पेपर आया तो 150 मेरे बन जाएंगे, और गंदे से गंदे 133 जो कि पिछली कट ऑफ से 10-12 नंबर ऊपर था, ठीक है। तो ये स्कोर आ जाएगा आपका, इस हिसाब से आपको करना स्कोर ब्रेकअप। वो कब होगा, जब आपकी तैयारी लास्ट दिन के ऊपर पूरी हो जाएगी, लास्ट दिन में नहीं, जब आपकी तैयारी ऑलमोस्ट 80-90% पूरी हो तब भी आप इन मोर को मैक्सिमम तैयारी, अगर आप 5-10 साल भी तैयारी करते रहे तब भी 80-90% ही तैयारी होती है, हाँ वो पूरी तो कभी होती नहीं, कभी भी नहीं होगी। तो पूरी आपको उस हिसाब से करनी है, अगर जो आपने टारगेट बनाया जो मैंने 140 का बनाया था वो अचीव हो गया तो आप तैयारी मानो कि पूरी आपकी। और मुझे ऐसा लगता है जैसे आपने करी है ना, ये ना एक एक्टिव प्रिपरेशन है भाई। एक्टिव प्रिपरेशन और पैसिव में क्या डिफरेंस है, जैसे एक्टिव में ना चीज़ें खुद से करने की कोशिश करते हो, अच्छा स्कोर भी देखता हूँ मैं, मॉक टेस्ट किस तरीके से करने हैं वो भी देखता हूँ, और पैसिव में क्या होता है आप बस कि चल भाई स्लो के साथ चल रहे हो, चलो मॉक टेस्ट देना, चल एक मॉक टेस्ट देगा उसमें 100 नंबर आ गए या कितने भी आ गए उसको देखे हताश हो गए। एक्टिव में क्या होता है अगर आपके कम नंबर आ गए तो तुरंत ही रहता है देख कौन सा टॉपिक कम रहेगा इसको देखता हूँ अगली बार, चाहे एक नंबर बढ़े लेकिन नंबर बढ़ा के मानूंगा, चलो ठीक है भाई। और एक बात आखिरी मैसेज देना चाहूँगा कि टीचर तो सारे ही बनते हैं, चाहे नौकरी के लिए बने चाहे सैलरी के लिए बने, सिर्फ बात सैलरी तक नहीं रहनी चाहिए, हम टीचर जो होते हैं समाज के आगे, समाज को हमें ही पढ़ाना होता है। तो जो बच्चे को आप पढ़ाओगे, फर्स्ट से फिफ्थ पढ़ाओ या 7th, 8th, 9th, 10th कोई पढ़ाओ, तो वो जो नॉलेज आप दोगे ना, किताबी नॉलेज तो कोई दूसरा टीचर भी दे देगा, कोई गली में बैठा टीचर भी दे देगा, बिल्कुल। पर जो आपका मेन काम है, आप एक अहम हिस्सा हो समाज का, टीचर, उसी को सिखाना है समाज को आगे कहाँ जाना है। अब मैं देखता हूँ बच्चे ऐसे चलते चलते सड़क में कूड़ा फेंक देते हैं, अब वहाँ से पता लगता है नींव क्या चल रही है, टीचर क्या सिखा रहे हैं, है ना। तो और बच्चे को ये मत बताओ क्या गलत क्या सही, उसको फर्क सिखाओ सही और गलत में, ताकि बच्चा भी आपसे मिल के फील करेगी, मतलब आपको एज ए रिसोर्स मानने की मेरी लाइफ के लिए,
तो पढ़ाने में ध्यान मत दो सिर्फ किताब नॉलेज तो कोई दूसरा टीचर दे देगा, ध्यान रखो उसकी मॉरल वैल्यूज पे और वो खुद को कितना समझ पा रहा है और सही गलत में डिफरेंस कर पा रहा है या नहीं। तो ये बस। तो भाई काफ़ी उम्दा और डीप व्यापक क्या क्या बताए, कंटिन्यूएशन कॉम्प्रिहेंसिव इंटरव्यू हो गया आपका। ये लास्ट का वैसे रह गया, कौन सा? ये बीच में डाल देना कट करके कि एक हफ्ते दो हफ्ते पहले क्या करना है। अच्छा वही तो फिर उसके बाद बता दो भाई। हाँ बताओ बताओ, कोई दिक्कत नहीं। अरे कितना बड़ा है, कितना ये वीडियो? 40 मिनट तो अभी हो गए और 4-5 वीडियो। चलो ठीक है भाई, बहुत बढ़िया लगा। आप लोगों को कोई हाँ सब्सक्राइब भी कहो, सब्सक्राइब करना भाई सबको, सबको नहीं इनको सब्सक्राइब करना और थोड़े दिन सबको कर लेना, लेकिन मेरा भी करना और थोड़े दिनों मेरा भी चैनल आ जाएगा क्या पता। हाँ बिल्कुल करना, तो उसको भी कर लेना, बिल्कुल करना। इसके जिस हिसाब से नंबर है ना इसका तो बढ़ता भी है ना। तो बहुत बढ़िया लगा भाई आपसे मिलके, धन्यवाद आपका। थैंक यू। और इनका जैसे ही अगर DOE में होता है तो होपफुली फिर से एक इनसे बातचीत का लाइव ही आ जाएंगे फिर तो। और बहुत बढ़िया लगा भाई, थैंक यू आप सभी का भी। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। भारत माता की जय। जय श्री राम। जय श्री राम।